24 नवंबर 2018 चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में धन भाव होता है। तो आज हम धन की ही विषय में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कुंडली में किस प्रकार से धन योग बनते हैं या कुंडली में धन हम किस भाव से देखा करते हैं, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कुंडली में दूसरा भाव और 11वां भाव मुख्य रूप से धन के लिए कहे गए हैं। जिनके दूसरे भाव में और 11वें भाव में एक संबंध होता है, तो उस कुंडली को कहा जाता है कि यह धन योग की बेहतरीन कुंडली है। इसके अतिरिक्त दूसरे भाव के ठीक सामने अष्टम भाव पड़ता है तथा 11वें भाव के ठीक सामने 5वां भाव पड़ता है। तो इन दो भावों को भी धन के लिए देखा जाना चाहिए। यानी इस प्रकार से अगर हम कहें तो दूसरा भाव, 5वां भाव, 8वां भाव और 11वां भाव मुख्य रूप से, या कहें कि पूर्ण रूप से कुंडली में धन के भाव होते हैं। प्रत्येक ग्रह जब इन भावों पे विचरण करता है, तो वह अपनी ही संगत अनुसार या योग्यता अनुसार ही जातक विशेष के जीवन में धन देने का प्रयास करता है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब उस ग्रह की दशा आती है, तो वह ग्रह अपने पूर्ण रूप फल देने की स्थिति में होता है, तो जातक उस पर्टिकुलर पीरियड में काफी अच्छा धन अर्जित कर लेता है। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे समीकरण हैं जिसके द्वारा जातक धनवान बन सकता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि मुख्य रूप से कुंडली में विशेष तौर पे जो ग्रह देखा जाना चाहिए वह है लग्न। लग्न मतलब जो हमारे शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, और उसका जो स्वामी होता है लग्नेश, वह कुंडली में किस जगह होता है, उसी प्रकार से जातक विशेष के जीवन में परिस्थितियां बनती चली जाती हैं या अथवा जातक विशेष के कार्य होते चले जाते हैं। लगन अगर मजबूत है या लगन का संबंध दूसरे, पांचवें, आठवें या 11वें भाव से हो जाता है, या लग्नेश का संबंध दूसरे, पांचवें, आठवें या 11वें भाव से हो जाता है, तो जातक अपने जीवन में अवश्य ही अच्छा खासा धन कमा पाता है। यहां मैं आपको बता दूं जातकों की जो ग्रह अपनी जिस अवस्था के कारण धन दे सकता है, यदि इन भावों से उन ग्रहों का संबंध होता है, तो जातक विशेष उसी प्रकार से धन अर्जित करना पसंद करते हैं। जैसे कि हमने पाया, यदि दूसरे भाव में, जो कि हम धन भाव बोलते हैं मुख्य रूप से, वहां सूर्य होता है, तो जातक विशेष ईमानदारी से और सच्चे तरीके से धन कमाने का प्रयास करता है, अथवा उसको सच्चे तरीके से धन कमाने की प्राप्ति हो पाती है। जबकि इसी भाव में यदि अगर हम मान लें राहु होता है या केतु होता है, तो ऐसा जातक गलत तरीके से भी धन कमाने का प्रयास करता है, अथवा उसके पास गलत तरीके से भी धन आता है या आने के प्रयास में रहता है। तो ऐसे जातकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रह दूसरे, पांचवें, आठवें और 11वें भाव से संबंधित हैं, उन ग्रहों से संबंधित अगर वो व्यक्ति काम कर लेते हैं, तो उनको धन की प्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं राहु के विषय में मैंने अभी जानकारी दी कि राहु एक छद्म ग्रह है, यानी गलत तरीके से धन कमाना पसंद करता है या गलत तरीके से धन देना पसंद करता है। यदि दूसरे भाव में या 11वें भाव में राहु हो, तो बहुधा हमने पाया ऐसा जातक विशेष जो होता है वो शेयर मार्केट के द्वारा या स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा या मोबाइल शॉप के द्वारा, राजनीति के द्वारा धन कमाना पसंद करते हैं, या उनके पास इन तरीकों से ही धन आया करता है। यहां मैं दोस्तों एक बात बता दूं, हम धन की बात कर रहे हैं, कर्म की नहीं। आपको धन किसी और ग्रह ने देना होता है, आप काम किसी और ग्रह के लिए कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता चलूं, फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। फिल्म इंडस्ट्री में लगभग जो भी आदमी काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से संबंधित अवश्य होता है, और साथ ही साथ राहु का भी उसमें सहयोग मिलता रहता है। परंतु हमने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, वो पर्दे पे तो नहीं आ रहे और कैमरामैन का काम भी नहीं करते हैं, या फिल्म जगत से जुड़ा हुआ काम नहीं करते हैं। हाँ, उनके यहाँ पर कुछ सामान सप्लाई करते हैं या उनके यहाँ कुछ काम कर रहे होते हैं। तो उनका जो मेन कारक ग्रह जो हो गया, कर्म का ग्रह तो दूसरा हुआ, क्योंकि वो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो धन दे रहा है वो शुक्र और राहु का मेल दे रहा है, दैट इज फिल्म इंडस्ट्री उनको पैसा प्रोवाइड कर रही है। ऐसी कुछ जगह पे हमने पाया कि जो बुध ग्रह होता है, जब वो दूसरे भाव में होता है या 11वें भाव में होता है, तो ऐसे जातक विशेष को लिखा पढ़ी के कागजात से, कामों से या बैंकिंग सेक्टर से धन का लाभ होता है, अथवा वो इस तरीके से धन कमाते हैं। यहां मैं आपको बताता चलूं दर्शकों कि जो ग्रह कर्म से संबंधित है, उसका धन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह आपको धन देते हैं और कुछ ग्रह आपको कर्म देते हैं। और इसके अलावा हमने जब बताया कि दूसरा भाव जो कि हमारे कुटुंब परिवार का भी होता है, धन का भी होता है, तो उनसे जो हम धन प्राप्त करते हैं वो भी उसमें देखा जाएगा। पंचम भाव जो हम अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अथवा अपनी संतान के द्वारा जो हम धन प्राप्त करते हैं, वो भी हमें धन देता है।
इसके अलावा अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का होता है और गुप्त धन का होता है, या गलत तरीके से धन कमाने का भी होता है। बहुत से जातकों के जिनकी कुंडली में चंद्रमा अथवा मंगल अष्टम भाव में होता है, ऐसे लोगों को ऊपर की आमदनी बहुत होती है, यानी कि वो रिश्वत प्राप्ति के क्षेत्र में होते हैं, उनको रिश्वत वगैरह मिलती रहती है, जिससे उनका धन बहुत अच्छी तरह से बढ़ता चला जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें 11वें भाव को, तो 11वां भाव हमारा बेसिकली आय से संबंधित भाव है, या लाभ भाव भी इसको कहा जाता है, कि हम अपना धन कहाँ पर रखना पसंद करते हैं या कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो ये जो धन है, ये भी हमें अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा प्राप्त हो सकता है, बच्चों के द्वारा प्राप्त हो सकता है, जिसको हम अपना बैंक बैलेंस में रख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कुंडली में हम धन को किस प्रकार से देखते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं कुंडली में धन की बात कर रहा हूं, कर्म की नहीं। काम आप चाहे कुछ भी करें, किसी भी क्षेत्र में करें, लेकिन जो ग्रह आपको धन देगा वो इन भावों से संबंधित अवश्य होना चाहिए। अगर वो इन भाव से संबंधित होता है तो जातक विशेष के पास बहुत ही अच्छा सा धन आता है, या जातक बहुत अच्छा धन कमा पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो महानायक अमिताभ बच्चन जी का कुंभ लग्न है, और उनकी कुंडली में धन और लाभ का मालिक अगर आप देखें तो बृहस्पति बनता है, जो कि 6ठे भाव में उच्च का होकर बैठा है। लेकिन यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने एक सूत्र दिया था कि यदि धन और लाभ के मालिक का इन भावों से संबंध हो जाता है तो जातक बहुत धनवान होता है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि गुरु की नवी दृष्टि अपने धन भाव पर, यानी कि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ रही है, साथ ही साथ गुरु की दूसरी पंचम दृष्टि कर्म भाव उसमें पड़ रही है, और सातवीं दृष्टि उनके 12वें भाव में पड़ रही है, जो ये सिद्ध करता है कि अमिताभ बच्चन जी के पास निरंतर काम आता रहेगा, निरंतर खर्चे लगे रहेंगे तथा निरंतर लाभ उनको मिलता रहेगा, क्योंकि ये धन और लाभ दोनों का मालिक होकर गुरु 6ठे घर से अपने ही घर को, धन भाव को देख रहा है, वो जबरदस्त धनी बने हैं, या उनको जबरदस्त धन योग मिला है। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा उदाहरण था जिसके द्वारा मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि ग्रह किस प्रकार से काम करते हैं। यहां मैं एक बात और बता दूं कि अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के महानायक है, लेकिन उनको धन जो मिल रहा है वो गुरु ग्रह की वजह से मिल रहा है, अथवा गुरु की दृष्टि संबंध होने की वजह से उनको धन की प्राप्ति हो रही है। उनके सारे ग्रह अष्टम भाव में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अष्टम भाव कई अन्य तरीकों से, या गुप्त रूप से, या रिश्वत के तरीके से भी धन प्राप्ति करवाता रहता है। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि हम कुंडली में धन को कैसे दे सकते हैं। आशा है आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आया होगा, और हमारे अन्य वीडियोस भी आप पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, करिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर देने का प्रयास करते रहेंगे। आप हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या हमसे ज्योतिष के विषय में जानकारी चाहते हैं, हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करते रहेंगे। आप सबने मुझको सुना, आप सभी का नमस्कार, शुक्रिया।